आज की इस वीडियो में हम मोटोरोला के दो स्मार्टफोन को कंपेयर करने वाले हैं, मोटो जी 42 वर्सेस मोटो जी 52 को, कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, जिसको खरीदने के बाद आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर। चलिए चलते हैं। दोनों स्मार्टफोन की अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो मोटो जी 42 स्मार्टफोन की प्राइस है 14,000 रुपए, मोटो जी 52 स्मार्टफोन की प्राइस है 14,500 रुपए। दोनों स्मार्टफोन में आपको केवल 500 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चाहो तो ऑफर्स वगैरह चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो मोटो जी 42 में आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वहीं मोटो जी 52 में आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस पीओएलईडी डिस्प्ले मिल जाती है, बट इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। डिस्प्ले का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोटो जी 52 में आपको डिस्प्ले की साइज भी बड़ी मिल रही है और रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिल रहा है। तो डिस्प्ले वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको मोटो जी 52 स्मार्टफोन में ज्यादा बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बट एक बात जरूर याद रखना, मोटो जी 42 में आपको एक एमोलेड पैनल वाली डिस्प्ले मिल रही है। कैमरास की अगर बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम टू सेम कैमरा सेटअप मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के अगर फ्रंट कैमरास की बात करूं तो दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप सेल्फीज ले सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो मोटो जी 42 में आप 1080p में 30fps और 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मोटो जी 52 में आप 1080p में केवल 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरास तो आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलने वाले हैं, बट वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो मोटो जी 42 स्मार्टफोन में आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर आप वीडियो को इतने ध्यान से देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। बात करूं मैं परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रोसेसर भी दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलेगा। दोनों में ही आपको ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X की रैम मिल जाती है। दोनों में ही आपको 1 साल के OS अपडेट देखने को मिलेंगे और 3 साल के दोनों स्मार्टफोन में आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगे। दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए तो गाइस परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम टू सेम प्रोसेसर मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम ही देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, वैसे आपको परफॉर्मेंस सेम सी ही देखने को मिलेगी। और बात करूं मैं बैटरी की तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 एमएच की बैटरी मिल जाएगी। मोटो जी 42 में आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, मोटो जी 52 में आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो बैटरी तो आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिल जाती है, बट फास्ट चार्जिंग आपको मोटो जी 52 स्मार्टफोन में मिलेगी। तो गाइस दोनों स्मार्टफोन को क्लियरली कंपैरिजन करके मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो गाइस डिस्प्ले देखो, आपको मोटो जी 52 में अच्छी मिल जाती है। कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मोटो जी 42 में अच्छी मिलेगी। परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिल जाती है। बैटरी आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिल जाती है, बट चार्जिंग की स्पीड आपको मोटो जी 52 में ज्यादा मिल जाती है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो गाइस मुझे तो मोटो जी 42 स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया, बिकॉज आपको फीचर्स तो दोनों स्मार्टफोन में सेम से ही मिल रहे हैं, लेकिन मोटो जी 42 की प्राइस थोड़ी सी कम है। तो कंपैरिजन करके मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा।